हाय गाइस वेलकम बैक टू किचन तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्रूट केक की रेसिपी तो आज मेरे पास में ये ऑर्डर आया था रिसेंटली फ्रूट केक का तो मैंने ये फ्रूट केक बनाया और मैंने पहली बार बनाया है ये फ्रूट केक तो अभी तक मैंने हमेशा बाजार से ही लेकर आती थी फ्रूट केक तो पहली बार मुझे ऑर्डर मिला और मुझे इसको बनाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि कुछ नई तरीके की रेसिपी ट्राई करो तो बहुत मज़ा आता है तो वही मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही करी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेलाइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके तो यहाँ पर मैंने क्या किया है फ्रूट्स लिए हैं तो फ्रूट्स में मैंने लिया है मैंगो और एप्पल रेड वाला जो एप्पल होता है वो लिया है उनको बारी बारी कट कर लिया था और क्रीम को विप्ड करके मैंने क्रीम इसमें डाल दी और थोड़ी सी जो पाइनएप्पल वाली जो फिलिंग आती है मालस की वो इसमें ऐड कर दी थी मैंने तो इसमें तीन फलों का टेस्ट आएगा पहला तो होगा मैंगो दूसरा होगा एप्पल और तीसरा आएगा मुँह में पाइन तो तीन फल हो गए उसके अलावा मैं क्या करूँगी क्रश यूज़ करूंगी जो अपने फ्रूट्स के जो क्रश होते हैं ना मैंग वो मैं यूज़ करूंगी इसमें तो यहाँ पे मैंने केक की पहली लेयर को रख दिया है और अपनी जो क्रीम बना के रखी थी फ्रूट वाली जो क्रीम हमने बना के रखी थी उसको उसके ऊपर रख देंगे और मैंने बढ़िया सी क्रीम लगा दी है इसके ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ऑरेंज वाला क्रश तो देखो चार फल तो पहले ही हो गए थे अब पांचवा फल हो गया ऑरेंज ऑरेंज का भी टेस्ट आ जाएगा इसमें है ना तो मैंने सेकेंड लेयर रख दिया और फिर से अपना अपना क्रीम लगा दिया है उसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से फैला लेंगे और अब मैंने डाला है स्ट्रॉबेरी का क्रश तो ये हो गया हमारा छठवा फल तो मैं चाहती थी कि उनको बढ़िया से फ्रूट्स का पूरा फ्लेवर आए बढ़िया से उनको लगे कि हाँ भाई ये फ्रूट केक है ऐसे नहीं कि बस दो चार फलों के टुकड़े रख दिए और हो गया तो इसी तरीके से मैंने सारे तीनों लेयरों को रख दिया है ये मेरा वन के जी का केक है बेस मैंने पहले बना के रख दिया था तो अब इसको चारों तरफ से क्रम क्रीम लगा के इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे तो क्रम कोटिंग मैंने करके फ्रिज में रख दिया था फिर उसके बाद में अब मैं इसकी फाइनल लेयरिंग कर रही हूँ तो क्रीम को इसको इसकी चारों तरफ लगा के अच्छे से चारों तरफ से मैं फैला लेना है क्रीम को और स्पैचुला से इसको एक जैसा कर लेना है क्लीन कर लेना है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अभी मुझको क्योंकि मैं अभी प्रोफेशनली बनाना तो स्टार्ट कर दिया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डरती हूँ अभी बनाने में ना ऐसा लगता है ना कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए कहीं किसी को पसंद नहीं आया तो मेरे साथ में ऐसा होता है क्योंकि अभी नया नया चालू किया ना इसलिए तो आप लोगों को कैसा लगता है कि अपने लिए केक बनाना बात अलग हो जाती है और किसी दूसरे के लिए केक के बनाना ना थोड़ी अलग बात हो जाती है अपने लिए तो ऐसा है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो अपन एडजस्ट कर लेंगे लेकिन किसी दूसरे को देना है या ना बिल्कुल उसने इतनी उम्मीद से आपको दिया है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसको प्रोफेशनल जैसा मार्केट में उसे मिलता है वैसे ही मैं केक उसे बना के दूँ तो यहाँ पर मैंने केक की के फिनिशिंग कर लिया है उसके बाद में थोड़ा सा मेरे पास में जो पर्ल वाला लस्टर डस्ट था वो मैंने इसके ऊपर चारों तरफ स्प्रे कर दिया है तो अब यहाँ पर मैंने ये जो अपना वो होता है क्या बोलते हैं इसको फिर बोल गई <laughs> तो यहाँ पे मैं इसकी ड्रिप्स बना रही हूँ क्लियर जेल से यस yes, याद आ गया तो क्लियर जेल से मैं इसकी बना रही हूँ इसमें थोड़ा सा मैंने येलो कलर डाल दिया था और पाइनएपल का इमल्शन डाल दिया मतलब येलो कलर नहीं डाल पाइनएपल का इमल्शन नहीं डालता उसी से येलो कलर आ जाता है क्योंकि इमल्शन में फ्लेवर और कलर दोनों होता है तो यहाँ पे आप जो स्टार नोजल होती है जो बंद वाली स्टार नोजल होती है वो मैंने ली है तो उसी से मैं छोटे छोटे रोजेट बना रही हूँ क्योंकि बड़े रोजेट नहीं बनाना चाहती थी इसलिए मैंने ये वाला टिप लिया है सॉरी नोजल लिया है तो इसे से चारों तरफ थोड़ा से रोजेट बना लेंगे क्योंकि बीच में तो हमें रखना है फ्रूट्स तो इस केक की फिनिशिंग ना रात को ये केक गया था और रात होते होते तक ना बार बार मैंने इसमें चेंज किए सच में और उनको जो कस्टमर थे उनको कलरफुल केक चाहिए था और ये बर्थडे था लड़के का तो मैंने क्या किया जो रोजेट टाइप के बनाए उसमें हल्का सा मैंने पिंक कलर का स्प्रे कर दिया क्योंकि ये ये कलर था जो उसमें मिसिंग था तो मैंने कलरफुल केक बना चाहिए कहते कि ड्रिप्स हमारी हो गई येलो कलर की और बॉर्डर में इसकी बना रही हूँ सबसे छोटे वाला जो स्टार नोजल होता है उससे मैं इसकी बॉर्डर बना रही हूँ ये ब्लू कलर की तो येलो कलर हो गया ब्लू कलर हो गया व्हाइट कलर का केक है क्रीम कलर के ये ऊपर थोड़ा सा मैंने पिंक कलर स्प्रे कर दिया तो तीन चार कलर तो यही हो गया बाकी सारे कलर जो है वो हम फ्रूट्स रखेंगे तो उससे एड हो जाएंगे है ना तो ये जो मधु कलर नोजल होता है उसमें मैंने ये क्रीम ब्लू कलर की क्रीम भर ली है और इसे थोड़ा सा ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर्स टाइप के हम बना देंगे चारों तरफ अच्छे से और बीच में हम रखेंगे फ्लावर्स तो इसी तरीके से चारों तरफ मैंने ये बना दिए हैं और फिर बाद में जो अपने पर्ल्स वाले होते हैं सिल्वर वाले गोल्डन वाले वो इन्हीं के ऊपर रख देंगे तो यहाँ पे हमारे फ्रूट्स मैंने कट करके रख तैयार करके रखे थे तो अब हमें क्या करना है इनको डेकोरेट करना है ये मैंने इसमें जो टूथपिक होती है ना अपनी वो लगा दी है और ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट होता है इसको निकाल देंगे और इसको ऐसे फ्लावर की तरह आ, मैंने फैला लिया है तो मैं जब मार्केट में लेने जाते हैं या देखे हैं मैंने मार्केट में जो केक उनमें कुछ फ्रूट केक में कुछ इसी तरीके का डेकोरेशन होता है और मैं भी कुछ इसी तरीके का डेकोरेशन उनको देना चाहती हूँ मतलब उनको फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि उन्होंने एक होम बेकर को दिया है पर दिया है होम बेकर को यस yes. <laughs> तो अब मैंने कुछ मैंगो केक पीसेस कट करके रखे थे और वो मैंने सेंटर में डाल दिए हैं और फिर कुछ ऑरेंज और कुछ केवी और ये जो चेरी होती है चेरी नहीं होती है कुद्रू होता है उसको चेरी का नाम दे देते हैं इंडिया में वो मैंने लगा दिया है तो कलर कंट्रास्ट आपको कैसा लग रहा है ग्रीन रेड येलो ऑरेंज है ना मस्त अब ये अपना जो, जो न्यूट्रल जेल होता है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसको जो है ब्रश की मदद से मैं सारे फ्रूट्स के ऊपर लगा रही हूँ क्या होगा मेरा केक ना भी मैं ठंडा कर... मतलब फ्रिज में रखूँगी क्योंकि ऑर्डर मेरा मेरे ये मैंने काम दोपहर में किया था और शाम का ऑर्डर था वो छः बजे लेने आने वाले थे तो तब तक क्या होता है ना फ्रूट्स को अगर आप फ्रिज में रख दें थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं कभी कबार ब्लैक भी पड़ जाते हैं तो इस तरीके से अगर आप जेल लगा दोगे तो वो बिल्कुल ताजी बने रहेंगे तो ये मेरा बच्चा आ गया यहाँ पे देखने के लिए वो देख रहा है मम्मा क्या बना रही है आज कौन सा नया टाइप का केक बना रही है और ये जो स्पैकल्स होते हैं ना ये मैं क्लस्टर डस्ट करी उसके ऊपर फाइनली

लास्ट में मैंने कुछ रोज जो फूल बनाए थे उसके ऊपर भी फल रख दिए थे और ये मेरा फन के चीज से थोड़ा सा ज्यादा हो गया था मिलती हूँ अगली वीडियो